हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जटायु अर्थ सेंटर के बारे में। तो दोस्तों, रामायण तो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। रामायण में जब रावण माता सीता का हरण करके लेके जाता है तो रास्ते में जटायु एक पंछी यह देखते हुए रावण से लड़ने चला जाता है माता सीता जी को बचाने के लिए। और उसकी जो है रावण से काफ़ी ज़्यादा युद्ध होती है और रावण लेकिन जटायु को परास्त कर देता है, उनके पंख काट देता है। और जटायु एक केरला के एक कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में जाके एक पत्थर पर जाकर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आज का व्लॉग इसी पत्थर पर ही बना हुआ है, इसी रॉक पे बना हुआ है। मैं इसी जगह पर आज गया हूँ, यहाँ पे विज़िट किया हूँ और मुझे यहाँ पर काफ़ी मज़ा आया है। तो दोस्तों, मैं पहले तो आपको बता देता हूँ इस जटायु अर्थ सेंटर के बारे में और इसको कैसे डेवलप किया गया है और कैसे इसका कंस्ट्रक्शंस किया गया है और इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। कब से ये पार्क जो है स्टार्ट हुआ है, ये सारा मैं आज आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगा। दोस्तों, बहुत कम लोगों को इस सेंटर के बारे में, इस पार्क के बारे में पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे और दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये भारत का इतिहास है। रामचरितमानस में ये घटनाएँ दिखी हुई हैं। तो एक बार इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। जटायु अर्थ सेंटर पार्क में जाने के लिए आप लोगों को नीचे से ही टिकट लेना पड़ेगा और टिकट का चार्जेस 250 के अराउंड है, तो आप पर पर्सन। और फिर आप ये रोपवे के थ्रू ही जो है अर्थ सेंटर पर जा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर हेलीपैड की भी सुविधा है और यहाँ पर जिप क्लाइंबिंग, बहुत सारे जो कि हैं एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होते हैं यहाँ पर। आपको 12D शोज भी देखने को मिलेगा 160 रुपीज़ में, और बहुत सारे बच्चों के जो हैं मॉल वगैरह में जो गेम शोज हैं, सारे सब कुछ देखने को मिलेंगे। और रोपवे से जब आप लोग अर्थ सेंटर की तरफ बढ़ते हो तो इतना अच्छा नज़ारा होता है, ये पूछिए मत दोस्तों। फाइनली मैं ये जटायु अर्थ सेंटर पार्क पर पहुंच चुका हूं दोस्तों, और यहां से जो कि चारों तरफ का व्यू है वो ज़बरदस्त है। और ये जो पूरी स्टैचू बनी हुई है जटायु की, ये काफ़ी देखने में ज़बरदस्त है। आइए एक लुक देखते हैं, यहां के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। सीता ने जटायु को यह वरदान भी दिया था कि रामचंद्र जी को यह जानकारी देने तक वह जीवित रहेगा। मृतप्राय जटायु को इस शिला ने प्यास बुझाने का जल दिया। सीता देवी की खोज में घूमे फिरे राम और लक्ष्मण अतः इधर उधर पहुंच गए। उन्होंने जटायु से सीतारण अपहरण की जानकारी प्राप्त की। एक पक्षी होने के बावजूद भी स्त्री की संरक्षणा को अपना धर्म मानने वाले उस त्यागी और धीर जटायु को रामचंद्र जी ने मोक्ष प्रदान किया। जटायु की प्यास बुझाने वाला यह छोटा तालाब फिर कभी नहीं सूखा है। इस मंदिर के प्रांगण में रामचंद्र जी का यह पदचिन्ह और अनसूखा तालाब अब भी संरक्षित है।
यहाँ पर भगवान श्री राम जी के पैरों के निशान भी हैं, जिनको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर करके सेफ करके रखा गया हुआ है। उनके फुटप्रिंट को भी एक बार मैं देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ अपने वीडियो के थ्रू। ये आप इस पिक्चर में जिस तरीके से देख रहे हैं, भगवान श्री राम जटायु जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक उसी पोजीशन में उनके पैरों के फुटप्रिंट यहाँ पर हैं और ये पूरा ग्लास से पूरा कवर किया गया है। ये देखिए उनके श्री राम भगवान जी के फुटप्रिंट के निशान, जिनको वो सेफ रखने के लिए इस तरह से कवर किया गया है। तो दोस्तों, जटायु अर्थ सेंटर, जिसे जटायु नेचर पार्क या जटायु रॉक के नाम से भी जाना जाता है, यह केरल के कोल्लम जिले में चंदयामंगलम में एक पार्क और पर्यटन केंद्र है। दोस्तों, ये समुद्र तल की ऊंचाई 300 मीटर की ऊंचाई से है, लगभग 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड स्टैचू मूर्ति जो है वो जटायु ही है। यह करीबन लगभग 200 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और 70 फीट ऊंचा है और ये टोटल एरिया 15,000 स्क्वायर फीट कवर करता है। यह रॉक थीम, जो कि नेचुरल पार्क BOT मॉडल के तहत केरल राज्य में पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी पर्यटन पहल थी। पार्क कोल्लम शहर से लगभग 38 किलोमीटर और राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 46 किलोमीटर की दूरी पर है, इसको जिसे राजीव आंचल जी ने तराशा है। 17 अगस्त 2018 को यह पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, तो गाइज, आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा? ये जटायु अर्थ सेंटर है और इसको जटायु नेशनल पार्क भी कहा जाता है और सारी डिटेल जो है इस ब्लॉग की मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो तो बोलिए जय श्री राम कमेंट में और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वंडर रियलिटी का थ्रिल्डी मूवी थिएटर नहीं, अभी व्हाट कॉस्ट 160 पर पर्सन और मिनट 5 मिनट हम लोगों ने किया ना वहाँ पर, वही तो है जो वहाँ पे किया था। पर यहाँ सस्ता है, ये क्या निकाल ले? देखा, जटायु को वहाँ मोक्ष प्राप्ति हुई थी, लेकिन यहाँ पे कमर्शलाइज इसने गजब तरीके से किया गया है। चलो।